हरे कृष्णा। लोग अक्सर तुलसी महारानी से जुड़े हुए कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि तुलसी को हम जल दे सकते हैं कि नहीं, किस समय देना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए। आइए आज हम इन सभी प्रश्नों पर आज चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा करने में से आपको ये बताना चाहते हैं कि तुलसी महारानी है कौन। तुलसी महारानी के लिए एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है जिसे सभी भक्त रोज उच्चारण करते हैं। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य चा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय, वृंदा देवी जो है तुलसी महारानी है। प्रियाय केशवस्य चा, ये कृष्ण की बड़ी प्रिय हैं। तुलसी महारानी को कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का अवतार है। तुलसी महारानी भक्ति प्रदान करने वाली हैं, इसीलिए जो ये वृंदावन धाम है उसको वृंदावन नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ वृंदा महारानी तुलसी महारानी के अनेक वन हैं। इसलिए जो ये कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं ऐसी महारानी को नमो नमः हम प्रणाम करते हैं। तो ये लक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मी नारायण, इसीलिए तुलसी शालिग्राम विवाह भी होता है, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी मैया से अभिन्न है, इसीलिए नारायण के साथ जब वो शालिग्राम बनते हैं उनका विवाह होता है। तो ऐसी तुलसी महारानी को लोग बोलते हैं, क्या हम संडे को उनको पानी दे सकते हैं कि नहीं। अब इसमें सोचने वाली बात है, प्राचीन समय में जब तुलसी महारानी का प्रकट इस धराधाम पृथ्वी पर हुआ, तब तुलसी महारानी जो हैं ये वृंदा नाम की एक देवी थी जिनके साथ में पतिव्रत धर्म धारण करती थी अपने पति शंखाचूड़ के लिए। बाद में जब शंखाचूड़ का नाश किया भगवान नारायण ने, तब जाकर के तुलसी महारानी ने कहा, प्रभु आप कैसे हैं, आपने मेरा पतिव्रत धर्म तोड़ दिया, शंखाचूड़ का वध करने के लिए आपने उसका रूप लेके मेरा स्पर्श किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाएं, पत्थर हृदय। तो भगवान शालिग्राम स्वरूप बन गए और भगवान ने कहा, वृंदा क्योंकि तुम मेरी प्रिया हो, तुम लक्ष्मी स्वरूपा हो, ये तो मेरी लीला थी ताकि शालिग्राम रूप में मैं प्रकट हो सकूँ और तुम वृंदा के रूप में प्रकट हो। तो महारानी वृंदा गंडकी नदी के रूप में बहने लगी और उनके बाल जो उनके केश थे वो तुलसी के वृक्ष बन गए। तो आप सोचिए, जब हम उन्हें तोड़ते हैं तो ज़रा सोच के देखिए कि तुलसी महारानी की ये बाल हैं, केश हैं, उनको बड़ी ज़ोर से नहीं खींचना चाहिए, उनको कष्ट होता है। बड़ी ही विनम्रता से अपनी इस उंगली का इस्तेमाल ना करते हुए धीरे से उनको तोड़ना चाहिए। संडे के दिन जल डालें नहीं डालें, तुलसी महारानी को कभी प्यासा रखना चाहिए। अगर वो देवी हैं तो उनको नियमित रूप से, चाहे एकादशी हो, द्वादशी हो, चाहे संडे हो, रोज़ आपको पानी देना चाहिए। प्राचीन समय में संडे नाम का कोई दिन नहीं था, ये तो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर 2018 वर्ष आया और उस कैलेंडर से, अंग्रेजी कैलेंडर से हमने जाना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, लेकिन संडे नाम का कोई दिन ऐसा था निर्धारित नहीं था शास्त्रों में। तो इसीलिए एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन या संडे के दिन क्यों ना हो, जल नियमित रूप से तुलसी महारानी को देना चाहिए। लेकिन सर्दी के दिनों में विशेषकर कम जल डालें, क्योंकि जैसे हम कम पानी पीते हैं तुलसी भी कम पानी पीती हैं। उन ठंडे इलाकों में जहां गर्मी के प्रदेश हैं वहां पर आप जितना पानी खुद पीते हैं उतना ही 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच उसी हिसाब से पानी डालें कि जब आप तुलसी महारानी की मिट्टी का स्पर्श करें तो वो नम रहनी चाहिए, सॉफ्ट रहनी चाहिए, हार्ड ना हो। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि उनको कितना जल देना है। उसके बाद में लोग प्रश्न पूछते हैं, हम कौन से दिन तोड़ सकते हैं, कौन से दिन नहीं तोड़ सकते हैं। तो सिर्फ द्वादशी का दिन आता है जो कि हमारे वैदिक कैलेंडर में अमावस्या और पूर्णमासी जो 15-15 दिन में चंद्रमा परिवर्तित होता है, उन दिनों में द्वादशी दो बार आती है महीने में, द्वादशी के दिन, एकादशी के अगले दिन, उस दिन आपको तुलसी महारानी को नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी महारानी का प्राकट्य दिवस होता है, उस दिन उनको कष्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि वो अपने जन्म दिवस पर ध्यानमग्न अवस्था में भगवान का नाम जप कर रही होती हैं। तो इसलिए द्वादशी के दिन उनको हमें नहीं तोड़ना चाहिए, बाकी दिन आप उन्हें तोड़ सकते हैं, उनका जल आप हमेशा डाल सकते हैं। तुलसी महारानी को तोड़ते वक्त लोग पूछते हैं, क्या इनकी मंजरियों को तोड़ना ज़रूरी है? हाँ, तुलसी पर आई मंजरियाँ जो होती हैं वो तुलसी महारानी के नाखून के समान है, उनको भी तोड़ करके जब वो ब्राउन, थोड़ी सी ही हरे रंग से जब वो परिवर्तित हो जाएं, सूख जाएं, तो उनको जल्दी ही तुलसी के वृक्ष से उतार देना चाहिए। जितनी देर आप लगाएंगे तुलसी की मंजरियों को हटाने में, समझ लीजिए उतना ही कष्ट अधिक मिलेगा तुलसी महारानी को, जैसे आपके नाखून लंबे लंबे हो जाते हैं। तो जल्दी से इन नाखूनों को काट देना चाहिए और उतार करके ठाकुर जी के चरण में लगा देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, तोड़ें कैसे, हाथ से तोड़ें या कैंची से तोड़ें? एक बार श्रील प्रभुपाद से एक भक्त ने प्रश्न किया, प्रभुपाद
आप बताइए हमें तुलसी महारानी को तोड़ने के लिए कैंची का प्रयोग करना चाहिए या हाथों का प्रयोग। श्रील प्रभुपाद ने हसमुख तरीके से जवाब देते हुए कहा, आपको बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी महारानी को तोड़ने के लिए हाथ काफ़ी हैं, भगवान ने ये दो उंगलियां दी हैं, इसे ऐसे करके ध्यानपूर्वक उनको तोड़ें और ठाकुर जी की चरण में आप अर्पित करें, भोग प्रसाद आदि में लगाएं। तोड़ने के लिए कई लोग पूछते हैं कि क्या तुलसी के पत्रों को दो भाग में तोड़कर भोग लगाया जा सकता है अगर हमारे पास पत्ते कम हैं। तो हाँ, इसमें कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है कि आप तुलसी के पत्ते को दो भाग में नहीं तोड़ सकते हैं। आप चाहें तो उनको दो भाग में तोड़ सकते हैं अगर पत्ते कम हैं। तुलसी महारानी अपने आप में पूर्ण है, उनका एक अंश भी उतनी ही कृपा करेगा जितना पूरा पत्ता। और कई लोग बोलते हैं अगर तुलसी सूख जाए हमारे पास हो ही ना, तो फिर हम भोग कैसे लगाएं। तो तुलसी की लकड़ी जो होती है उसमें भी उतनी ही शक्ति है, तुलसी की सूखी पत्तियों में भी उतनी ही शक्ति है, तुलसी के पौधे से गिरी हुई पत्तियों में भी उतनी ही शक्ति है जितनी कि तुलसी के हरे भरे पत्तों में होती है। इसलिए श्यामा तुलसी हो या हरी तुलसी हो, रामा तुलसी हो, आपको दोनों ही तुलसी समान है। दोनों ही तुलसी के पत्रों को सम्मानित पूर्वक तोड़िए, रोज जल डालिए और भगवान की सेवा में अर्पित करिए। हरे कृष्णा।